छत्तीसगढ़ के आसपास की बात करेंगे। किताबों में से सब सॉर्ट होता है, तुम्हारा पता नहीं होता कहाँ से क्या कहाँ पढ़ना है। तो देख लो कलचूरी वंश, खलचूरी मत कह दियो उसे। कोई भी वंश हो सबसे पहले उसका संस्थापक कौन है? कुको है? कौन है भाई? कोकल प्रथम। फिर आ जाता है इसका ईयर, तो इस वंश की स्थापना हुई 845 एडी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, राजधानी की बात करते हो, कैपिटल, तो कलचूरियों की जो राजधानी थी, इनकी राजधानी का नाम था त्रिपुरी। राजधानी का क्या नाम था? त्रिपुरी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए, आगे शासक आते हैं, सबके नाम दे रखे हैं, शंकरगण, शंकरगण के बाद आता है बालहर्ष, युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज, ये भी कलचूरियों से संबंधित हैं। लक्ष्मण राज के बाद शंकरगण द्वितीय, सेकंड से फर्स्ट कर लेना, युवराज द्वितीय, कोकल सेकंड, काफी हो गए भाई हैं, लेकिन गांगे भी इम्पोर्टेंट है, गांगे देव, कर्ण देव, यशकर्ण है जी, गैकर्ण, गैकर्ण के बाद इंपोर्टेंट कौन है? नरसिंह, नरसिंह, जयसिंह और विजय सिंह, इन्हें याद कर लेना ETC। ठीक है, एक बार फिर देख लो, वंश है कलचूरी वंश, संस्थापक कौन है? कोकल प्रथम, ईयर 845 AD, राजधानी त्रिपुरी, कोकल के बाद राजा शंकरगण प्रथम, बालहर्ष युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज, शंकरगण सेकंड, युवराज सेकंड, कोकल सेकंड, गंगे देव, कर्ण देव, यशकर्ण, गैकर्ण, नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह आदि राजा बने। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहला बन रहा है युवराज फर्स्ट को लेकर, युवराज फर्स्ट ने किसकी उपाधि ली थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है केयूर वर्ष कि केयूर वर्ष का टाइटल कौन लेता है? तो केयूर वर्ष की उपाधि लेता है कौन? युवराज फर्स्ट। तो युवराज फर्स्ट ने केयूर फर्स्ट की उपाधि ली थी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, एक कवि लेखक को जानते हो, राजशेखर है, काव्य मीमांसा वगैरह कई सारी किताबें हैं। तो एक किताब और मिल जाती है इसकी, राजशेखर है लेखक, इसकी किताब है कौन? विदुषाल भंजिका, विदुषाल भंजिका, और इसमें उपाधि दी गई है, इसमें टाइटल दिया गया है किसका? युवराज फर्स्ट का टाइटल दिया गया है, और नाम क्या है, उपाधि दी गई है क्या? उज्जैनी भुजंग, यानी उज्जैन की भुजा वाला व्यक्ति, जो उज्जैन की भुजा माना गया है, उज्जैनी भुजंग कहा गया है। किसको कहा गया है? युवराज फर्स्ट।
ठीक है, आप जो युवराज फर्स्ट राजशेखर को जानते हो, राजशेखर की एक प्रसिद्ध किताब बोला जो हर जगह आती है, क्या? काव्य मीमांसा। ठीक है, ये किस दरबार से संबंधित है, किसके दरबार में रहता था राजशेखर? युवराज प्रथम। ठीक है, लक्ष्मण राज है कहीं को? हाँ, ये इससे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये कौन से भगवान को मानता था? शिव, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला था, शैव अनुयायी था। उसके बाद गांगे देव भी किसको मानता था? शैव धर्म को। कर्णदेव से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसने जीता था, इसने जीता कलिंग को, कौन से राज्य को? कलिंग को। और कलिंग को जीतने के बाद टाइटल लेता है त्रिक लिंगाधिपति, त्रिक लिंगाधिपति की उपाधि लेता है कर्णदेव, किसको? कलिंग को जीतने के बाद। ठीक है, और आगे इतिहास का बताता है कि इन्हीं के बराबर में चंदेल पढ़ चुके हो, चंदेल शासक था, अजीब सा नाम है उसका, त्रय लोक्य वर्मन। ठीक है, और त्रोलोक्य वर्मन अटैक करता है, और इसने अटैक किया किस पर? विजय सिंह पर। ठीक है, और इन पर क्या कर लेता है, इनकी राजधानी पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। त्रिपुरी पर क्या कर लिया? त्रिपुरी पर कब्जा कर लिया और अपने में मिला लिया, अपने में मिला लेता है। ये था कलचूरी वंश। ठीक है भाई, एक बार फिर रिपीट के इसे कर लो, रिवीजन कर लो। कौन सी डायनेस्टी है, ज्यादा नहीं कहा, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ तुम्हारे सामने है। ठीक है, तो डायनेस्टी का नाम क्या? कलचूरी। ठीक है, इसका संस्थापक कोक्कल प्रथम, ईयर कौन सा है? 845 एडी। राजधानी इंपोर्टेंट है इनकी, त्रिपुरी। ठीक है, कोक्कल के बाद राजा बनता है शंकरगण फर्स्ट, शंकरगण के बाद बालहर्ष, और उसके बाद युवराज फर्स्ट। फेमस है क्योंकि युवराज फर्स्ट उपाधि लेता है केयूर वर्ष, केयूर वर्ष की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठता है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राजशेखर। कर्पूर मंजरी वगैरह का विमान कैसा किताब है, तो इसे किताब लिखी थी विदुषाल भंजी का। इस किताब का जिक्र क्यों आया, क्योंकि इस किताब में इसका नाम रखा हुआ है, क्या? उज्जैनी भुजंग। उसके बाद राजा बनता है लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज कौन किसका अनुयायी था? शिव जी का। गांगे देव भी किसका अनुयायी था? शिव जी का। कर्ण देव की उपाधि है त्रिक लिंगाधिपति, और इसने यह उपाधि ली थी कलिंग को जीतने के बाद। उसके बाद नरसिंह, जयसिंह, विजय सिंह हुए, और लास्ट में जो पतन होता है किसके समय? विजय सिंह, क्योंकि चंदेल शासकों ने कलियुग को हरा दिया था। तो किस चंदेल शासक ने किस लास्ट कलचूरी को हराया? तो चंदेल त्रैलोक्य वर्मन, और हराया था विजय सिंह को, और हराने के बाद त्रिपुरी पर कब्जा कर लिया और त्रिपुरी को अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये कौन सा वंश था? कलचूरी, कलचूरी। ठीक है, आगे आ जाएगा। अब बंगाल में पाल बड़ा था, तो पाल खत्म हो जाते हैं, तो पालों के बाद इनके सामंत आ जाते हैं, और पालों के सामंत कौन थे? सेन। तो बंगाल में आ जाएगा कौन सा वंश आ जाएगा? सेन वंश। अगला सेन वंश देखो जल्दी से, इम्पोर्टेंट है भैया ये भी।